हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेसिक पेंसिल शेप्स को कैसे फिल करना है ये सीखने वाले हैं। बेसिक पेंसिल शेप हमें कैसे ड्रॉ करना है इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी फिलिंग के लिए हम या तो कुछ इस तरह की नेट पैटर्न या तो कुछ इस तरह की फिलिंग पैटर्न का यूज़ करके हम अपने पेंसिल शेप्स को फिल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले पेंसिले को फिल करने के लिए इस चेक पैटर्न का यूज़ करने वाली हूँ। इन बेसिक फिलर्स को कैसे ड्रॉ करना है इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के इन वीडियोस को भी देख सकते हो। नेक्स्ट पेंसिले को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिक नेट पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो आप उस टाइप से इसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पेंसिले को हम फ्लावर बनाते हुए कुछ इस टाइप से फिल करेंगे। नेक्स्ट फिलिंग के लिए हम कुछ इस तरह के छोटे छोटे से पैटर्न्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी पैटर्न का यूज़ पेंसिल को फिल करने में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राउंड पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अगर आप चाहे तो पेंसिल के मिड पोर्शन से फ्लावर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हुए पेंसिल को फिल कर सकते हो। या फिर पेंसिल के अपर पोर्शन से फ्लावर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हुए भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप को हम लोग कुछ इस तरह के पैटर्न का यूज़ करके फिल करने वाले हैं। तो इसको हम स्ट्रेट ना करते हुए कुछ राउंड में भी इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्ट्रेट फिलिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस शेप को हम लोग कुछ इस तरह से राउंड पैटर्न का यूज़ करके फिल करने वाले हैं। तो इस तरह से आप कुछ फिलर्स प्रैक्टिस कर लीजिए और उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके नए नए फिलर्स को डिज़ाइन कर सकते हो और उनको इस तरह से इसमें फिल कर सकते हो।
पैसले को फिल करने के लिए हम शेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें कर रही हूँ कुछ इस तरह से। पैटर्न और शेडिंग दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से फिलिंग कर सकते हैं। पिकॉक के फेदर को फिल करने के लिए हम कुछ इस तरह से छोटे छोटे से राउंड फ्लावर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रैक्टिस करिए इन सारे एलिमेंट्स को और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।